किसान का 29वां प्रदर्शन 12 दिसंबर को पुणे में शुरू हुआ और 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रदर्शनी में नवीन कृषि उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला दिखाई गई है। प्रदर्शनी में एक विशेष मंडप है जिसमें संरक्षित खेती, पानी, कृषि इनपुट उपकरण, जैव ऊर्जा, पशुधन, नर्सरी पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि किसानों को उनकी रुचि की चीज़ों का पता लगाने में मदद मिल सके। ओपन एरिना बड़ी कृषि मशीनरी और उपकरण प्रदर्शित कर रहा है। किसानों को विशेष रूप से भारतीय कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए विकसित कई नवीन कृषि प्रौद्योगिकियां दिखाई देंगी। एक अलग जल मंडप सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए उपकरण और तकनीकी प्रदर्शित करने वाले 100 से अधिक प्रदर्शकों को समायोजित करेगा। किसान मेला भारतीय कृषि समुदाय के लिए एक मंच बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। यह अपनी तरह एकमात्र प्रदर्शन है जहां भारत के सभी हिस्सों से कृषि पेशेवर, नीति निर्माता, समान विचारधारा वाले व्यक्ति, सरकारी अधिकारी और मीडिया एक साथ आते हैं, जो भारतीय कृषि क्षेत्र और किसके साथ बातचीत करते हैं। किसान हमेशा भारतीय कृषि क्षेत्र के भविष्य को मजबूत करने के लिए कृषि व्यवसाय के लिए प्रमुख उपकरण और औजार को एक साथ लाने में प्रयास करता है। किसानों को यह जानने का एक बड़ा अवसर है कि उद्योग किस दिशा में जा रहा है। न केवल आप किसान समुदाय के बारे में जान सकते हैं बल्कि अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में भी जान सकते हैं। यह सभी जानकारी आपको अपनी प्रतिस्पर्धा में आगे रहने और ग्राहकों को जीतने में मदद करेगी। कृषि उद्योग की प्रगति पर अद्यतन रहें, अपने ग्राहकों के बारे में और जाने की वे क्या खोज रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदियों और उनकी प्रगति के बारे में अधिक जानें। हम महाराष्ट्र के वाशिम जिले से किसान लोग यहाँ एग्जीबिशन देखने आए हैं। वैसे भी जहाँ जहाँ महाराष्ट्र के अंदर एग्जीबिशन किसानों के लिए लगता है तो वहाँ हम हर साल जाते हैं। वहाँ एग्जीबिशन में बहुत सारा कुछ नया नया सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। नए नए कंपनियों के जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं और जो आधुनिक खेती जिसे कहा जाए तो उसके बारे में जो नए खेती क्या कैसी करनी है, क्या करनी है, उसका नया जो तरीका है वो सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ एग्जीबिशन में देखने को मिलती है। आपस में किसान भाइयों से जो दूर दूर से आते हैं उनसे चर्चा होती है, उनके विचारों का आदान प्रदान होता है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। VSRS न्यूज़ पुणे।